गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि रॉयल एनफील्ड का जो टूल बॉक्स होता है वहाँ में क्या क्या टूल्स मिलता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टेक्निकल टूल्स क्या क्या मिलता है आज आप लोगों को दिखाएंगे। तो बने रहे मेरे वीडियो में, देखिए क्या क्या मिलता है, हम आपको पूरा खोल के दिखाएंगे रॉयल एनफील्ड जो कि है मीटियोर 350 उसका मॉडल में फायरबॉल में क्या क्या मिलता है, चाहे वो स्टेलर हो चाहे सुपरनोवा हो सेम ही मिलेगा। हम आप लोगों को दिखाएंगे आज फायरबॉल के अंदर जो टूल बॉक्स है वहाँ पे क्या क्या टूल्स मिलता है। मैंने तो बहुत दिनों से नहीं खोला था लेकिन आज खोल के दिखाएंगे आप लोगों को। मैंने खरीदे हुए शायद एक साल से ज़्यादा हो गया, तो आप लोगों को आज दिखाएंगे कि खुल के कैसा होता है तो क्या क्या मिलता है। लेट्स गो, चलो सुनाइए, चलो आ जाओ। तो ज़्यादा सीधे जरूर नहीं खुलने के लिए, सिर्फ चाहिए एक की बाइक का की, तो वहीं से खुल जाएगा टूल बॉक्स। तो चलिए खोल के देखते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज मीटियोर 350 एज यू कैन सी। तो उसका टूल बॉक्स भी राइट साइड में होता है, आप लोगों को खोल के दिखाएंगे अभी। वहाँ पे एक की होल भी है तो की की मदद से आप उसको खोल सकते हैं। तो चलो देखते हैं अंदर क्या क्या होता है, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स चलो की डाल के देखते हैं। तो ये है उसका की मीटियोर 350 का। तो अभी की घुमा के खोल के देखते हैं तो अंदर क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं अभी। तो इसको खोलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो उसका दो प्लास्टिक पिन के तरह है जो अंदर में उसको लगाया जाता है। तो कुछ धीरे से ध्यान से खोलना है उसको ताकि स्क्रैच ना आए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ अंदर, तो यहाँ पे एक बेल्ट है। तो इस तरह यहाँ से यहाँ तक तो बेल्ट लगाया हुआ होता है, वो बेल्ट को खोलना है, आसान है वो खोलना। तो उसको धीरे से खोल के ये रहा, तो ऐसे खोलते हैं। उसके बाद आपको पैकेट देखेगा अंदर, ये है उसका पैकेट। तो पैकिंग किया हुआ है एक पाउच में, रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ होता है पाउच में। तो पाउच के अंदर होता है वो टूल्स, तो आप लोग को अभी दिखाएंगे। चलो देखते हैं टूल्स में क्या क्या है। तो कुछ ये इस तरह है, तो अभी इसको खुला तो आप देख सकते हैं अंदर। अभी इसको खुल के चलो देखते हैं। तो मीटियोर 353 वो का जितना भी वेरिएंट है फायरबॉल स्टेलर सभी में ये होता है टूल्स, टेक्निकल टूल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा तो रस्टिंग ही पड़ गया क्योंकि पानी बहुत, वो बारिश में भी चलाया और जब मैंने वॉश किया तो वॉश के टाइम में भी पानी घुसता है थोड़ा थोड़ा, तो उसकी वजह से बहुत दिनों से नहीं खोला था तो रस्टिंग पड़ गया। देख सकते हैं आप सफ़ेद सफ़ेद होके कहीं पे तो ब्राउन ब्राउन रस्टिंग हो गया। तो बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, दो ऑलरेडी मैंने निकाला यहाँ पे और ये तीसरा। और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर भी है छोटा सा ये वाला, तो देख सकते हैं आप। और उसके बाद और भी है, टोटल अभी हुआ चार। उसके बाद ये पांच, ये फिफ्थ नंबर टूल है। तो उसके बाद ये सिक्स, ये भी स्क्रू के लिए है टाइट करने के लिए या फिर लूज करने के लिए। उसके बाद ये सेवन नंबर टूल्स। और उसके बाद ये आया एट नंबर जो कि है एक रेंज, छोटा सा रेंज है। तो अगर कहीं पे भी आपको रास्ते में कहीं पे भी दिक्कत हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो इससे आप अपना काम निपटा सकते हैं अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो। टोटल मिला के ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल आठ है। आठ टूल्स आप मिल जाएंगे रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के अंदर। तो आप लोग को दिखाया, पहले तो मैंने सोचा था लेकिन ये शायद ऐसे कवर रखा हुआ होगा तो मैंने इसलिए नहीं खोला था बहुत दिनों से। तो मैंने तो ख़रीदा हुआ एक साल हो गया, कुछ लगभग एक साल से ज़्यादा हो गया तो नहीं खोला था, तो पानी की वजह से रस्टिंग वस्टिंग हो गया। तो अगर आपने भी ख़रीदा हो तो जल्द से जल्द उसको खोले अच्छा होगा। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा दिन उसको अंदर ना रखें क्योंकि रस्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पर और एक दिक्कत है हेडलाइट का, जो कि 350 मीटियोर में ये सभी वेरिएंट में होता है कि उसका हेडलाइट का बड़ा प्रॉब्लम है। इंजन ऑन करने के साथ साथ ही उसका हेडलाइट भी ऑन हो जाता है। तो आप किसी को भी अगर पता हो तो प्लीज़ बताइए उसका सॉल्यूशन क्या करें। और
आपको तो बता दिया सब कैसे खोलना है, अभी चलो उसको लगाते हैं। ये रहा वो दो पिन जिसके बारे में मैंने बताया था आपको पहले। यहाँ पे होल होता है एक और यहाँ पे एक, तो दो होल होता है वहाँ पे, उसको लगाया जाता है धीरे से करके। फिर उसको फिक्स करने के बाद आप की के मदद से उसको लॉक कर सकते हैं। तो चलिए लॉक कर देते हैं इसको फिर से। तो कुछ इस तरह धीरे से उसको करना है अच्छे से ताकि ये फिक्स हो जाए। और उसके बाद आपको चाबी घुमाना है नीचे, तो पहले अच्छे से लॉक करके उसके बाद उसको चाबी घुमा के लॉक कर देते हैं। तो अभी लॉक हो गया, आप देख सकते हैं।